थाने से खबर है। भिवानी की घटना पर ओवैसी का बयान सामने आया है। इस मामले में अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये ओवैसी का कहना है। मोनू नाम का शख्स गैंग चलाता है, असदुद्दीन ओवैसी ने दरअसल ये कहा है। हरियाणा सरकार का मोनू जो है वो चहेता है और यही वजह है कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मोनू को हरियाणा सरकार बचा रही है, तो असदुद्दीन ओवैसी ने यहां हरियाणा सरकार पर सीधा सीधा आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार जो है वो मोनू को बचा रही है, गौ रक्षा के नाम पर मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। ये तमाम बातें असदुद्दीन ओवैसी ने कही है। और क्या कुछ कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने, सुनवाते हैं आपको। कोई महीना ऐसा नहीं जाता जहां पर भारत के मुसलमानों को धमकी दी जाती है या फिर उनको पीटा जाता है या फिर उनकी जानें ली जाती हैं। एक ऑर्गेनाइज गैंग, यानी आप हद तो यह हो गई कि हरियाणा से राजस्थान में आकर किडनैप करते हैं, और मानेसर 150 किलोमीटर, याद रखिए आप। और हरियाणा में जो फिरोजपुर झिरका एरिया है, यहां तो ओपन एक्सटॉर्शन करते ये लोग करते हैं। और लास्ट ईयर रमजान में शेखपुरा और रौली में पुलिस के साथ घुसकर मारकर दो मुसलमानों को पकड़े लोग, आखिर अरेस्ट क्यों नहीं करती हरियाणा की सरकार? भाई बाकी दिल्ली कैपिटल से 100 किलोमीटर के फासले पर दो मुस्लिम युवाओं को किडनैप करके उनको फिजिकली मारकर उनको जला दिया जाता है और कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। और ये जो एलेज एक्यूज्ड है, जिसका नाम FIR में आ चुका है मोइन के ऊपर फायरिंग करने का, और इसमें भी नाम आ गया, उसको पकड़ते हैं। मेरे को फोटोज है, आपको दिखाता हूं मैं, न्यूज़पेपर की फोटो है कि देखिए हथियार उसके पास है, ये हथियार है, ये हथियार उसके पास है। इतना हथियार कहां है भाई? ये अलकायदा है, ये आइसिस का है, ये हथियार कौन है? लोग इतना हथियार लेके बैठा है,